और जैतारण थाना पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ वर्ष की पांचवी बड़ी कार्रवाई करते हुए दोपहिया वाहन चोर के गिरोह और एक आरोपी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 8 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। जैतारण थानाधिकारी सहदेव चौधरी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान जैतारण थाना पुलिस की एक विशेष गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सहायता व मुखबिर की मदद से कार्रवाई को अंजाम देते हुए वाहन चोर गिरोह के आरोपी रामकिशोर उर्फ मोंटू पुत्र बगदाराम जाति माली उम्र 21 साल निवासी मुनियों की बाड़ी अगेवा रोड जैतारण को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अलग अलग जगह से चुराई गई चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी सहदेव चौधरी ने बताया कि इस कार्यवाही पर वारदात का पर्दाफाश करने में कांस्टेबल संदीप कुमार, दिलीप सिंह व सुनील सिलारी की विशेष भूमिका रही। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। कस्बा जैतारण में वाहन चोरी की वारदातें काफ़ी हो रखी थी। बढ़ती वारदातों को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश से एक विशेष टीम का गठन किया गया। थाना क्षेत्र की विशेष टीम में साइबर एक्सपर्ट दिलीप कुमार, धीरज वगैरह को शामिल करके टीम का गठन किया। विशेष टीम ने तकनीकी साधनों से मनोवैज्ञानिक तरीके से सीसीटीवी फुटेज देख के एक संदिग्ध रामकिशोर और मोंटू कस्बा जैतारण का निवासी है को दस्तियाब कर थाना पर लेकर आई। संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करने पर इसने 8 मोटरसाइकिलें कस्बा जैतारण से चोरी करना कबूल किया है। संदिग्ध से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ जारी है और मोटरसाइकिलों की बरामदगी के प्रयास जारी है।